दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि वाईफाई दो तरह का होता है, एक 4G नॉर्मल वाईफाई जो हम आप इस्तेमाल करते होंगे और एक 5G वाईफाई। 5G वाईफाई के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप 5G वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्मार्टफोन में जो गेम खेलते हैं ऑनलाइन गेम उसका पिंग को कम से कम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में भी अगर डुअल वाईफाई सपोर्टेड है तो आपके स्मार्टफोन में भी जब आप वाईफाई ऑन करते होंगे तो आपको वाईफाई में 5G नेटवर्क भी दिखाता होगा। जैसे कि आप मेरे पास Redmi Note 4 है और Redmi Note 4 में भी डुअल बैंड वाईफाई सपोर्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे 5G लिखा हुआ आ रहा है और मैं अभी 5G में कनेक्टेड हूँ। और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि 4G से 5G यदि आप स्विच करते हैं तो आपको कितना पिंग में डिफरेंस मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी 5G में कनेक्टेड हूँ, तो अभी मैं 4G में कनेक्टेड हो जाता हूँ। ये नॉर्मल वाईफाई है 4G वाला, और इसका स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्लिक करके। इसमें आप देख सकते हैं 72 Mbps का स्पीड है। तो चलिए इसमें एक बार फ्री फायर खेल के देखते हैं। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी कि मैं अभी 4G में कनेक्टेड हूँ एंड्रॉयड एपी में, और आप लोग यहाँ पे पिंग देख सकते हैं, पिंग आ रहा है 80 का पिंग आ रहा है अभी। तो यहाँ पे 80-70 मेंटेन कर रहा है पिंग, मतलब 100 के नीचे ही है पिंग। थोड़ा देर और खेल के देखते हैं कि पिंग कितना रहता है। तो अभी चलिए हम लोग नेटवर्क स्विच करते हैं और देखते हैं कि कितना पिंग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और ये 5G वाला है, इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इसमें कनेक्शन टाइम लगेगा तो थोड़ा देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, अभी वाईफाई कनेक्ट हो चुका है लेकिन कैमरा फोकस नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। लेकिन कनेक्ट होने के बाद जो पिंग है वो 70 मेंटेन कर रहा है और 70 से एकदम हाई नहीं जा रहा है। 5G का यही एक सबसे अच्छा बात है। 4G में ऐसा हो रहा था 80 जा रहा था, 90 जा रहा था, मतलब 100 पिंग जो है वो 100 से नीचे था। मगर जो अभी मैंने 5G में कनेक्ट किया है तो स्टेबल 70 का पिंग मिल रहा है और 70 से एकदम कम नहीं जा रहा है। भले ही 70 से कभी कभी 80 जा रहा है, लेकिन 80 से अब कभी भी नहीं जा रहा। मैं बहुत देर से खेला और मुझे खेलने के बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास जियो का वाईफाई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी डुअल बैंड राउटर है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 5G से कनेक्टेड हो और गेम खेलें। इससे आपका मोबाइल का बैटरी भी बचता है और आपका लेटेंसी भी कम होने के कारण आपके जीतने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। जस्ट आपको एक प्रूफ के लिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये 5G वाला नेटवर्क है। तो यहाँ पे आता हूँ वाईफाई का सेटिंग, और आप लोग देख सकते हैं कि 5G से भी कनेक्टेड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।